हेलो जी हेलो सर, मैडम, थोड़ा सा इश्यू है, ये स्क्रीन वर्क नहीं कर रही। मैं इसको दोबारा से देखता हूँ, फिर कनेक्ट करता हूँ। आप सर रिकनेक्ट करने काइंडली। जी, मैं दोबारा से देखता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर को कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं, आप काइंडली थोड़ा सा पेशेंस रखिए इन अ वाइल वो कनेक्ट कर रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर. जी मैडम, अब मेरा ख्याल अब कुछ बेहतर है. जी जी सर, आप चेक कर लें, आपको स्क्रीन शेयरिंग की इशू दोबारा तो नहीं आया. जी मैं चेक करता हूँ. जी अब ठीक है. ठीक है सर. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम. जी कल हम लोगों ने शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर जो है वो कंप्लीट किया था. अब हम आज लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर को डिस्कस करते हैं.
तो टॉपिक है लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर। तो लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बता दिया जाए कि लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। तो लॉन्ग रन के अंदर नो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो नो फिक्स ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स नो फिक्स्ड कॉस्ट। तो ना फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन होगा ना फिक्स कॉस्ट होगी। तो लेकिन शॉर्ट रन के अंदर हमने ये बताया था कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, इस वजह से उधर फिक्स कॉस्ट भी होती है। और शॉर्ट रन में ही बताया था कि कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसलिए वहाँ वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो उन दोनों को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट बनाई थी। लेकिन लॉन्ग रन में, यानी शॉर्ट रन में जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन में हम कहते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, दैट इज़ इन दिस इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट, है ना। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में बात करते हैं तो लॉन्ग रन में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो भी वेरिएबल हो जाती है। तो क्योंकि उसमें फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर ये जी। तो लॉन्ग रन के अंदर जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, सारी की सारी वेरिएबल हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट में ये बात समझाई थी। ये ज़रा पुराना लेक्चर देखें। ये लॉन्ग रन की डेफिनेशन देखें और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन देखें। तो शॉर्ट टर्म में हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म इज़ अ पीरियड इन विच सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स एंड सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। और लॉन्ग रन में हमने कहा था कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन की डेफिनेशन ज़रा एक दफ़ा फिर देख लीजिए, ये बात पहले की थी आप लोगों के साथ। अच्छा, अब ये है कि जब हम उस पे आ जाते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर पे आते हैं, तो लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर के अंदर हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जस्ट अ मिनट, ये शॉर्ट रन में हमने बात की थी। तो शॉर्ट रन के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन भी होते हैं और वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन भी होते हैं। ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है।
जी, ये बात हो रही थी, बार बार डिस्टरबेंस ज़रा हो रही है आज। तो टोटल कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। तो टोटल कॉस्ट की कोई इक्वेशन जो है वो क्या होगी, यानी टी सी इज़ इक्वल टू टी वी सी। तो लॉन्ग रन में ऑल द कॉस्ट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। ये इसको इस तरीके से समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और इन दोनों को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आउटपुट लेवल समझ ले रही हैं, ये आपको समझाने के लिए। फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 100 है, ये 100 है, ये 100 है। वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है, अब इसको ऐड करते हैं तो आपके पास 102 आ जाता है, 104 आ जाता है, 108 और 120 आ जाता है, ठीक है ना जी। अब ये मुझे बताइए, इसको देख के आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शॉर्ट रन का डेटा है या लॉन्ग रन का है। तो बिल्कुल ठीक कहा है आपने, ये शॉर्ट रन का है क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो मौजूद है, तो ये शॉर्ट रन का डेटा है, शॉर्ट रन कॉस्ट है, कॉस्ट एनालिसिस है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की तरफ चले जाएं तो इसी को ही लॉन्ग रन में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर जो है, अच्छा शॉर्ट रन में इसको मज़ीद अगर हम देखें तो ये सारा होता था ना डेटा, कि ये AFC होता था यहाँ पे, फिर यहाँ पर AVC होता था, और फिर यहाँ पे AC होता था, है ना, और उसके बाद MFC होता था, फिर MVC होता था, और फिर यहाँ पे MC होता था। तो ये शॉर्ट रन था, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में लेके आए, शॉर्ट रन से हम इसको लॉन्ग रन बनाना चाहें तो क्या होगा, लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस कैसे इसके अंदर आएगा। उसमें ये होगा कि मैंने अभी बताया कि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, नो फिक्स कॉस्ट। क्यों क्यों नहीं होती है, क्योंकि लॉन्ग रन की डेफिनेशन में ये बात शामिल है कि कोई फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, नो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फिक्स फैक्टर नहीं होता तो सार लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो जब सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे तो लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट भी क्या होगी, ऑल कॉस्ट इज वेरिएबल, तो वहाँ पे कॉस्ट भी वेरिएबल होगी। तो इसलिए अगर हम इसी टेबल को शॉर्ट रन से ख़त्म करके लॉन्ग रन की तरफ लेके आना चाहें तो कैसे लेके आ सकते हैं, हमें ये फिक्स कॉस्ट ख़त्म करनी पड़ेगी। जब ये फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट ख़त्म होगी तो AFC भी ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि लॉन्ग रन के अंदर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इक्वल होते हैं तो फिर ये दोनों कॉलम में से कोई भी कॉलम ले लें आप, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये TVC ख़त्म हो जाएगा। तो TVC ख़त्म होगा तो लॉन्ग रन के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर AVC भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, और फिर MVC भी ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो बाकी आपके पास इधर से MFC भी ख़त्म होगा क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट ख़त्म हुआ है। तो अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास सिर्फ टोटल कॉस्ट बचा है, आपके पास एवरेज कॉस्ट बचा है और मार्जिनल कॉस्ट बचा है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, कौन कौन से कौन कौन से रह जाते हैं जिनको मैंने सर्कल किया है। नंबर वन टोटल कॉस्ट, नंबर टू एवरेज कॉस्ट, और नंबर थ्री मार्जिनल कॉस्ट। ये आपके सामने टोटल कॉस्ट,
एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो है ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी एल, इसके साथ आप एल लिख दीजिए तो ये हो जाएंगे, ये आपके सामने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, इसे कहेंगे लॉन्ग रन, टोटल कॉस्ट, इसे कहेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और इसे कहेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपके सामने तीन कॉन्सेप्ट हैं जो कि लॉन्ग रन में मौजूद होते हैं। तो लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस के अंदर या कॉस्ट बिहेवियर के अंदर आपको बात समझ में आ गई कि क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, इसलिए इसमें तमाम कॉस्ट भी वेरिएबल होती है, और वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। तो हम टोटल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब मजीद इसमें अगर हम आपकी सिलेबस के अंदर इसमें मजीद कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग रन जो टोटल कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वो मैं आपको, आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बता दूं तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आउटपुट है, ये कॉस्ट है, तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट टोटल कॉस्ट कर्व होता है ना, वो यहाँ ओरिजिन से शुरू होता है ये ऐसे, और फिर ये दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व, यानी ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं, वरना शॉर्ट रन के अंदर ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है। और अगर आप शॉर्ट रन का टोटल कॉस्ट कर्व भी मैं आपको दोबारा से समझा दूं, आपको रिमाइंड कराऊं, तो याद करें वो यहाँ से शुरू होता था, ये टोटल कॉस्ट कर्व था, लेकिन ये शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व था, तो ये यहाँ से शुरू होता, यहाँ इतनी फिक्स कॉस्ट थी, याद है, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से शुरू होता था ओरिजिन से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें ये टोटल कॉस्ट ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ही चीज़ है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसमें होती ही नहीं है। अच्छा, फिर मजीद ये इसमें मजीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट समझ आ गया, बिहेवियर वही है। उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो वो एवरेज कॉस्ट याद करें, हमने बनाया ही नहीं था उधर, आप लोगों ने वहाँ पे अपना शॉर्ट रन में भी नहीं बनाया था हमने एवरेज कॉस्ट कर्व, सिर्फ हमने टोटली बनाए थे तीन। तो एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमने बनाए भी नहीं थे वहाँ पे, ठीक है ना जी। तो ये बार लॉन्ग एंड एवरेज कॉस्ट का फार्मूला वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, और मार्जिनल कॉस्ट का भी वही फार्मूला है, यानी चेंज इन TC ओवर चेंज इन Q, ठीक है ना जी, फार्मूलाज वही हैं। अच्छा, बाकी अगर आप थोड़ा सा पिछला टॉपिक याद करें जिसमें शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस पे बात की थी हमने, तो इसमें ज़्यादातर हमने शॉर्ट रन में हमने इन्हीं चीज़ों पे बात की थी, हमने वो वाले कर्व नहीं बनाए थे, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये हमने यही सिर्फ एनालिसिस किया था। तो आपको मैंने एक डेटा दिया था, टेबल भेजी थी ना मैंने आपको, तो वो टेबल से आपने उसके तरह कर्व बनाने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, यानी शॉर्ट रन के अंदर ये वाला कोई टेबल मैंने आपको दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली टेबल थी, और मैंने आपसे कहा था ये सारी कैलकुलेशन करें, एक तो ये टेबल है इससे कर लें, ये तो इसे रफ टेबल है ना, लेकिन एक मैंने आपको डेटा दिया था और आप लोगों ने सबने कैलकुलेशन भी की थी उसके अंदर, तो उसके अंदर आप AFC का कर्व बनाएं, ABC का कर्व बनाएं, और AC का कर्व बनाएं, और MC का कर्व बनाएं, चार कर्व और बनाने थे, ये तीन मैंने बना दिए थे, TFC, TVC और TC, तो ये तीन मैंने बना दिए थे, यानी ये वाला,
ये वाला और ये वाला, ये तीन मैंने इसको डबल किया टिक, लेकिन ये तीन आपने बनाने हैं उसके अंदर। और मैं अगर बना दूं आपको, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, ये मिस हो गया था हमसे। तो इसके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट रख लें और यहाँ पर कॉस्ट लिखें, तो AFC देखें ज़रा। तो AFC जब आप बनाएंगे ना, तो AFC कर्व मैं आपको पहले बना दूं, तो AFC कर्व बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे AFC इस तरह से होगा, ठीक है, जैसे डिमांड कर्व होता है। तो ये क्यों होगा ऐसे? क्योंकि ये देखें कि जूं जूं आउटपुट बढ़ती जा रही है, आउटपुट बढ़ती जा रही है आपके सामने, तो इसको इससे मिला के देख लें, पहले AFC इतना है, फिर इससे मिला के देखें, वर्टिकल डिस्टेंस कॉस्ट को शो कर रहा है, तो ये नीचे आउटपुट है, यानी आउटपुट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट देखें, ये कम हुई, फिर मज़ीद कम हुई, फिर मज़ीद कम हुई, फिर मज़ीद कम हुई, और ये कम होते 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 0 के करीब आ गई। तो AFC का फार्मूला ये होता है कि TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये फार्मूला होता है AFC का। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये होता है कि TFC तो फिक्स होता है, TFC तो चेंज नहीं होना होता, और आउटपुट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ये फिक्स होता है। तो जब ये होता है तो AFC की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। ये सिंपल सी मैथ है। ये देखें, अगर आप टेबल में भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि TFC कितना है, 100 है, और ये डिवाइडेड बाय 1 तो 100 आ जाएगा, फिर 100 बाय 2 तो ये 50 आ जाएगा, है ना। तो ये देखें AFC की वैल्यू क्या होती जा रही है, जो जो यहाँ से आउटपुट बढ़ती जा रही है ना, AFC की वैल्यू कम होती चली जा रही है। फिर आप 115 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 125 को 4 से करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। इसीलिए ये कर्व बता रहा है कि जो जो आउटपुट बढ़ेगी AFC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट एनालिसिस में ये बात रह गई थी AFC का एनालिसिस, क्योंकि मैंने ये तीन टोटल आपको समझाए थे, TFC, TVC और TC। ये बाकी ये वाला AFC, AVC और AC और ये MC रहता था, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये क्लियर होगी AFC की स्टोरी कि आउटपुट के बढ़ने से AFC की वैल्यू कम होती है। आपके पास डेटा मौजूद है, आप उससे प्लॉट करके देखिएगा, ग्राफ बनाइएगा इसका, इसी तरह से बनेगा। और उसमें यही बात है कि TFC चेंज नहीं होता, आउटपुट बढ़ती चली जाती है, डिनोमिनेटर बढ़ता है, जिसकी वजह से AFC कम होता चला जाता है। अच्छा, बाकी अगर हम ये जो है ये देखें, ये है ये आपके पास है फॉर एग्जांपल AC कर्व ऐसा बनेगा। इसके अंदर तीन टेंडेंसीज होती हैं कि पहले वो क्या करता है, फॉल करता है, ये AC फॉल करेगा। फिर जब आप ये इसका बनाएंगे ना, ये वाला कॉलम, ये वाला इसका डाटा, इस डाटा से ना बनाइएगा, दूसरा डाटा जो है उससे बनाइएगा, जो बुक में दिया हुआ है या जो मैंने आपको दिया था, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये तो रफली डाटा है ना, तो आपको नज़र आएगा कि पहले AC फॉल करेगा, और AC फॉल होने के बाद फिर एक आउटपुट आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली आउटपुट है। इस आउटपुट पे देखें तो AC सबसे कम है, ये मिनिमम है, इससे नीचे एवरेज कॉस्ट नहीं है कोई, ये ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि जी यहाँ पर AC की टेंडेंसीज आपको समझनी है कि AC पहले क्या करता है, पहले फॉल करता है, ये देखें ये फॉल कर रहा है, नज़र आ रहा है ना आपको, AC फॉल करता है एवरेज कॉस्ट, फिर ये मिनिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम है इस जगह पे, ये मिनिमम है, और फिर ये इस जगह पे देखें ये राइज करना शुरू कर देता है, तो ये फिर राइज करता है, यानी पहले फॉल करता है फिर मिनिमम होता है, यानी AC हैज 3 टेंडेंसीज, AC हैज 3 टेंडेंसीज। नंबर वन इज फॉलिंग, नंबर टू मिनिमम,
और नंबर थ्री इट इज राइजिंग। ठीक है जी, तो जहाँ मिनिमम होता है वहाँ पे मिनिमम का मतलब वहाँ एवरेज कॉस्ट सबसे कम होती है। ये मैं सी इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सी सी का मतलब जो है कोई भी सी हो सकता है, यानी एवरेज कॉस्ट। अगर एसी का कर्व है तो ये सी का मतलब एसी होगा, अगर ये एएफसी का कर्व है तो सी का मतलब एएफसी होगा। तो सी मीन्स कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट होती है। तो ये समझ आ गई, एसी का ये टेंडेंसी है। इसी तरीके से अगर आप एवीसी की टेंडेंसी देखें, किसकी भला, इसकी टेंडेंसी जब आप लोग देखेंगे एवीसी की, तो वो भी ऐसे ही है, यानी वो फर्स्टली इट इज़ फॉलिंग एंड देन मिनिमम एंड देन राइजिंग। ये एवीसी की भी वही टेंडेंसी है, फॉलिंग फिर मिनिमम और फिर राइजिंग, ये फिर राइज कर रहा है आपके सामने, थ्री टेंडेंसीज। तो एसी की भी थ्री टेंडेंसीज हैं और एवीसी की भी थ्री टेंडेंसीज हैं। एवीसी हैज थ्री टेंडेंसीज, ठीक है ना जी, वही थ्री टेंडेंसीज जो इसकी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एमसी की बात करें तो एमसी की भी थ्री टेंडेंसीज, तो एमसी की भी यही थ्री टेंडेंसीज हैं। आप ये डाटा से चेक कर लीजिएगा, ये सी है तो ये एमसी भी इसी तरह ही बनेगा, यानी इट इज फॉलिंग, फॉलिंग मिनिमम, मिनिमम होने के बाद ये फिर राइज करना शुरू कर देगा। तो एमसी की भी, एमसी हैज थ्री टेंडेंसीज, समझ गए। तो एसी की भी तीन टेंडेंसीज हैं। एसी ये चारों कर्व मैंने बना दिए हैं, चारों अब आपने खुद डेटा से भी बनाने हैं, यानी एएफसी, एसी, एवीसी और एमसी, ये चारों कर्व आपके सामने हैं, ठीक है ना, जो मिस हो गए थे हमने सिर्फ टोटल दिखा, लेकिन आपकी बुक में नहीं है ये, लेकिन मैं आपको इसके नोट्स सेंड करता हूँ, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है कि इनको अगर हम एक ही ग्राफ में बनाएं, एक ही ग्राफ में बनाएं इन चारों को, तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आउटपुट, यहाँ पे कॉस्ट, तो ये देखें इन चारों को बनाएंगे तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास, ये आपके पास एसी है और ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, एवीसी है। अब ये नोटिस करें कि इन दोनों के मिनिमम पॉइंट्स में फ़र्क है और ये जो एमसी है, एमसी एमसी इनके मिनिमम पॉइंट में से होके गुजरता है, देखते हैं ना, ये इसके मिनिमम पॉइंट में से गुजरा, ये इसके मिनिमम पॉइंट में से गुजरा, तो ये एम सी है, समझ गए। अब ये आपने ज़रा केयर करनी कि एम सी का मिनिमम पॉइंट सबसे पहले आता है, ये एम सी का मिनिमम पॉइंट है, ये देखें इस आउटपुट पे, फिर इसका मिनिमम पॉइंट आता है इस आउटपुट पे, फिर इसका मिनिमम पॉइंट आता है इस आउटपुट पे। तो सबसे पहले आता है मिनिमम पॉइंट एम सी का, लेकिन तीनों की टेंडेंसी सेम है, यानी तीनों पहले फॉल करते हैं, फिर मिनिमम होते हैं और फिर राइज करते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और दूसरी बात ये है कि अगर हम एसी और एवीसी का डिफरेंस देखें तो शुरू में इनका डिफरेंस ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता 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 ये क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है डिस्टेंस, ये भी ज़रा ज़हन में रखना। तो बहरहाल ये आपके सामने जो है क्या कहते हैं, तीनों कर बन गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर चाहें तो एएफसी भी बना सकते हैं इसके अंदर, और एएफसी ये होगा, दिस इज एएफसी, अगर इकट्ठा बनाना चाहेंगे
तो ये भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की। तो ये था टेंडेंसी। अब इसमें नोटिस कीजिए कि इसमें जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसकी 3 टेंडेंसीज है, यानी फॉलिंग, मिनिमम एंड राइजिंग, और एमसी की भी 3 टेंडेंसीज हैं, फॉलिंग, मिनिमम एंड राइजिंग। अब हम अगर हम लॉन्ग रन पे आ जाएं, लॉन्ग रन कॉस्ट पे आ जाएं, तो वो भी आपको अब अभी नजर आता है। जस्ट वेट, तो बहरहाल इन चीज़ों को आप ज़रा कीजिएगा थोड़ा सा ट्राई, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। आज कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, जब तक ये ठीक होता है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। ये समझ आ गई आपको कि नहीं कि इनके मिनिमम पॉइंट्स में डिफरेंस है? तो मिनिमम पॉइंट और एमसी हमेशा, एमसी जो है वो हमेशा मिनिमम पॉइंट में से पास करेगा, किसके? एसी के और एवीसी के। तो एमसी, एमसी ये मिनिमम पॉइंट दिखाने के लिए मैंने हाइलाइटर लिया था, तो ये मिनिमम पॉइंट आपके सामने है। तो एमसी जो है वो एमसी पासिस थ्रू द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एवीसी, एवीसी एंड एसी, ठीक है ना जी? ये पहली बात आ गई। दूसरी बात ये है कि द मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी इज बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी। तीसरी बात है द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी इज बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। ये आपके सामने, मतलब ये है कि इसका मिनिमम पॉइंट इससे पहले है, यानी ये देखें, ये मिनिमम पॉइंट है एवीसी का, और ये मिनिमम पॉइंट है एमसी का, और ये मिनिमम पॉइंट है एसी का। तो एमसी का मिनिमम पॉइंट इस एवीसी से पहले आता है, और एवीसी का मिनिमम पॉइंट इस एसी से पहले आता है, यही लिखा है। और एमसी इनके मिनिमम पॉइंट्स में से गुजरता है, यानी ये देखें, ये इनके मिनिमम पॉइंट्स में से होके गुजरता है, ये ठीक है ना जी? तो ये चीज़ आपने केयर करनी है। अच्छा, अब अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, तो ये फिर इशू कर रहा है, खुल जाएगी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो मेरा ख्याल है इसको हम
आज इतना ही कर लेते हैं, ये कुछ वर्क सही नहीं कर रहा है, तो बाकी फिर हम कल कर लेंगे, क्योंकि ये इसमें इश्यूज आ रहे हैं बार बार ना, ये ओपन नहीं हो रहा सही तरीके से, ओपन नहीं हो रहा सही तरीके से, तो ओपन ना होने की वजह से इसको हम, मेरा ख्याल है कि कल पे रख लेते हैं। इट्स नॉट वर्किंग, स्क्रीन काम नहीं कर रही, ठीक है ना जी, तो इसको वाइंड अप करते हैं, आज इतने ही करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप वो टेबल मैंने जो दी थी उससे चारों कर्व्स बनाइएगा अलग अलग भी, जैसे ये अलग अलग मैंने बनाए, अलग अलग भी बनाइएगा, ए एफ सी का अलग कर्व बनाइएगा, ए सी का लैदा बनाइएगा और ए बी सी का लैदा बनाइएगा, तो फिर बेहतर हो जाएगा, ठीक है, और फिर इनको इकट्ठा बनाइएगा जैसे ये मैंने इकट्ठा बनाया, ठीक है ना। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आज मेरे को इतना ही कर लेते हैं, ये काम नहीं कर रहा सही।